हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं रिवीजन असाइनमेंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर वन देखो। क्या बोल रहा है देखो, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई वाई की पावर -1 प्लस इंटू वाई डैश प्लस एक्स बाई वाई की पावर -2 इंटू वाई डैश का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स बाई वाई की पावर -3 वाई डैश का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल टिल, है ना। इसका अपने को, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, अपने को सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखो, इसको अपन क्या लिख सकते हैं। देखो 1 प्लस, ये सीरीज एक्सपेंशन है, वाई बाई एक्स इंटू वाई डैश, है ना। इसको अपन ने क्या लिखा, देखो वाई बाई एक्स इंटू वाई डैश की पावर n प्लस वाई बाई एक्स इंटू वाई डैश का पावर 2 फैक्टोरियल प्लस वाई डैश इंटू y बाई एक्स इंटू वाई डैश का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल टिल इंफिनिटी, है ना। ये लिख दिया। अब ये देखो, ये क्या बन रहा है, ये बन जाएगा अपने पास e टू दी पावर, है ना। ये क्या बन रहा है, e टू दी पावर, देखो 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल टिल इंफिनिटी। तो ये e टू दी पावर x का एक्सपेंशन है, जहां पर x क्या है, y बाई एक्स इंटू वाई डैश। तो e की पावर y बाई एक्स इंटू वाई डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन आ रही है। अब इससे अपन डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो ये जगह 2 ln x इज इक्वल टू वाई बाई एक्स इंटू वाई डैश। तो देखो अपने पास क्या आ जाएगा, वाई वाई डैश इज इक्वल टू 2x इंटू ln x। तो y इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x ln x dx। इंटीग्रेट कर देंगे अब दोनों तरफ और अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x को अपन डिफरेंशिएट करने वाले हैं, ln x को डिफरेंशिएट करने वाले हैं और x को इंटीग्रेट, x को इंटीग्रेट किया तो ये आ जाएगा 2 x² / 2 ln x एज इट इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 x² / 2 ln x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 by x इंटू dx। बाई पार्ट्स लगा दिया मैंने, वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू x² ln x माइनस, ये क्या आ जाएगा देखो x, तो मतलब ये आ जाएगा x² / 2 प्लस c। सो दिस इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर वन था ये। क्वेश्चन नंबर टू, ए कर्व विच पासेस थ्रू 1, 2 एंड सब नॉर्मल एट एवरी पॉइंट इज 2। सब नॉर्मल क्या होता है, देखो किसी भी कर्व का सब नॉर्मल की अपन जब भी बात कर रहे हैं, तो सब नॉर्मल होता है ये जो नॉर्मल है उसका प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, दिस इज व्हाट इज सब नॉर्मल। अब अपन सब नॉर्मल की लेंथ निकालनी है, तो ये लेंथ वाई है, अपने को पता है यदि ये टेंजेंट बनाए तो ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा थीटा। तो वाई सब नॉर्मल अपॉन वाई इज इक्वल टू, अपन लिख सकते हैं सब नॉर्मल अपॉन वाई इज इक्वल टू, लिख सकते हैं अपन टेन थीटा, है ना। ये पॉइंट एक्स कॉमा वाई है, ठीक है। तो यहां से सब नॉर्मल की लेंथ क्या आ जाती है बच्चों, वाई वाई डैश टेन थीटा, यहां पर क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो सब नॉर्मल अपने को दिया हुआ है क्या, वाई वाई डैश इज इक्वल टू 2 एट एवरी पॉइंट। तो ये कॉन्स्टेंट दिया हुआ है वाई वाई डैश इज इक्वल टू 2, तो ये क्या आ जाएगा देखो, वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 2 × dx, इंटीग्रेशन कर देंगे y² / 2 इज इक्वल टू 2x + c, ठीक है। अब अपने को दिया हुआ है कि ये 1, 2 से पास करता है, 1, 2 से पास करवा देंगे तो ये हो जाएगा 4/2 मतलब 2 2 + c।
सी इज इक्वल टू जीरो, तो आंसर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बोल रहा है, द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ दिस सिस्टम। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो अपन निकालते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर गिवन कर्व, फिर जो वहां पे y डैश प्रेजेंट होगा उस y डैश को रिप्लेस कर देते हैं किससे, माइनस वन अपॉन y डैश फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, और उसको वापस सॉल्व करके फैमिली ऑफ कर्व निकालते हैं। तो यही प्रोसीजर है। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालने का तरीका क्या है, फर्स्ट स्टेप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ जो भी गिवन कर्व है उसके लिए, उसके बाद उस डिफरेंशियल इक्वेशन में y डैश को माइनस वन अपॉन y डैश से रिप्लेस कर दो, उसके बाद जो ये माइनस वन अपॉन y डैश वाली जो इक्वेशन बनी है इससे क्या निकाल लो, एक फैमिली ऑफ कर्व। इनिशियल फैमिली ऑफ कर्व से शुरू किया अपन ने, उससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई, फाइनली मैंने फैमिली ऑफ कर्व मेरे को मिल गया। अब ये इस प्रोसेस से जो भी मिल रहा है ये इस फैमिली ऑफ कर्व के ऑर्थोगोनल होगा। ठीक है, तो अपन यहां पे बात करते हैं y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर एक फैमिली है। द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ द सिस्टम ऑफ कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर विच डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास नहीं करना चाहिए। तो मैंने पहले दिखा y डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2ax। तो डिफरेंशियल इक्वेशन अपने पास क्या आ जाएगी, है ना, इस a की वैल्यू वहां उठा के रख दो, y इज इक्वल टू y डैश अपॉन 2x इंटू एक्स स्क्वायर। तो देखो क्या आ रहा है, 2y इज इक्वल टू एक्स वाई डैश। ठीक है, तो इसको अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई किसके लिए, इस गिवन फैमिली ऑफ कर्व के लिए। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो y डैश दिख रहा है उसकी जगह लिख दो माइनस वन अपॉन y डैश टू फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, तो रख देते हैं अपन यहां पे रखा 2y इज इक्वल टू x माइनस वन अपॉन ये क्या हो जाएगा y डैश। तो यहां से देखो 2y डैश इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो 2y dy इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। दिस इज ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। अब दिस डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन, तो ओरिजिन से पास नहीं करना चाहिए इसको, तो सी क्या है यहां पे, नॉन जीरो। तो देखो यहां पे क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू सी। तो ये अपने को क्या मिल रहा है, देखो ये अपने को मिल रहा है एलिप्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर, इफ ग्रेडियंट ऑफ ए कर्व एट एनी पॉइंट एक्स कोमा वाई इज दिस, मतलब डी वाई बाई डी एक्स अपने को दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन नंबर फोर में डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ अपने को एक्स प्लस वाई प्लस वन अपॉन 2y प्लस 2x प्लस 1 एंड इट पासेस थ्रू ओरिजिन, है ना, ये जो कर्व है ये 0,0 से पास करता है। तो अपने को एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है इस इक्वेशन का या कर्व निकालना है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई अपन कैसे करेंगे, पहले ये डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत सिंपल सी है, देखो x प्लस वाई को ले लो t। ठीक है, x प्लस वाई को ले लेते हैं t, तो x प्लस वाई को अपन ने t लिया, तो 1 प्लस वाई डैश इज इक्वल टू टी डैश, तो y डैश इज इक्वल टू हो जाएगा टी डैश माइनस वन, इस y डैश की जगह लिख दिया टी डैश माइनस वन, ये हो जाएगा टी प्लस वन अपॉन टू टी प्लस वन। ठीक ठीक बात बोलो, तो ये क्या जाएगा, टी डैश इज इक्वल टू टी प्लस वन अपॉन टू टी प्लस वन प्लस वन, टी डैश इज इक्वल टू थ्री टी प्लस टू अपॉन टू टी प्लस वन। तो यहाँ पे डी टी अपॉन आ जाएगा 3t प्लस 2 इंटू में 2t प्लस 1 इज इक्वल टू डी एक्स, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने क्या किया, 3t प्लस 2 ऊपर 3t प्लस 2 का डिवाइड कर देते हैं, तो इसको बना लेते हैं अपन 2 बाई 3 इंटू 3t प्लस 2, तो फाइनली क्या मिल रहा है 2t, एक्स्ट्रा क्या आ रहा है 4 बाई 3 आ रहा है, अपने को चाहिए 1, तो अपन क्या कर देते हैं माइनस ऑफ
वन बाई थ्री, तो ये कोफिशियंट भी मैनेज हो गया, प्लस वन आ गया, अपॉन थ्री टी प्लस टू इंटू डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। सिंप्लीफाई कर दो देखो इसको, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, टू बाई थ्री टी माइनस इसका इंटीग्रेशन वन बाई थ्री एलेन एलेन ऑफ थ्री टी प्लस टू, एलेन ऑफ थ्री टी प्लस टू अपॉन थ्री और आएगा है ना थ्री टी प्लस टू वाला, तो ये हो जाएगा वन बाई नाइन इज इक्वल टू डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स प्लस सी। अब देखो ये जीरो कोमा जीरो से पास करता है, टी को वापस रख देते हैं एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा टू बाई थ्री इंटू एक्स प्लस वाई माइनस वन बाई नाइन एलेन ऑफ थ्री एक्स प्लस थ्री वाई प्लस टू इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। एक्स और वाई को अपन जीरो जीरो रख देते हैं इसमें, तो ये बन जाएगा अपने पास जीरो, ये बन जाएगा माइनस वन बाई नाइन इंटू एलेन ऑफ टू इज इक्वल टू सी, तो c की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू यहां रख देंगे, अपना आंसर मिल गया अपने को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर था ये, क्वेश्चन नंबर फाइव देखो, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। सॉल्यूशन यहां पे देखो अपने को दिखा दिया हुआ है y डैश y ट्रिपल डैश, y थ्री का मतलब क्या, y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू थ्री इंटू y डबल डैश का स्क्वायर। अपने को इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बोला, इसको मैं ऐसे लिख लूं क्या, y ट्रिपल डैश अपॉन y डबल डैश को t लेते हैं तो वो dt बन सकता है, 3 इंटू वाई डबल डैश y डैश को t लूं तो dt बन सकता है। ऐसे लिखने से कुछ बदला नहीं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू dx कर लो है ना, y डबल डैश को यदि t मानूं तो y ट्रिपल डैश क्या है dt है ना, y डबल डैश को यदि t मानूं तो y ट्रिपल डैश विल बी dt। तो ये एक तरीके से डी टी अपॉन टी हो गया, इसमें वाई डैश को यू मानू तो ये बन जाएगा थ्री डी यू, तो ये क्या आ जाएगा देखो बच्चों, एल एन ऑफ टी, मतलब एल एन ऑफ टी का मतलब एल एन ऑफ वाई डबल डैश इज इक्वल टू एल एन थ्री टाइम्स एल एन ऑफ वाई डैश। ठीक है, एल एन ऑफ वाई डैश प्लस सी, ठीक है, प्लस सी को मैं एल एन ऑफ सी कुछ लिख देता हूं, तो इससे देखो क्या फायदा होने वाला है, y डबल डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल एन ऑफ सी इंटू वाई डैश का क्यूब, y डबल डैश इज इक्वल टू सी इंटू वाई डैश क्यूब, y डबल डैश आ गया। अभी यहां से अपने को y निकालना है, ठीक है, तो मैंने इसको फिर से रीअरेंज किया, देखो y डबल डैश अपॉन y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू मैंने इधर रखा थ्री सी इंटू वाई डैश, इंटीग्रेशन फिर से कर दिया y डैश को मैं फिर से मैं मानता हूं y डैश को यदि t मानूं तो ये dt टी अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन है, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस वन अपॉन y डैश इज इक्वल टू dy का इंटीग्रेशन, dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा y, तो ये हो जाएगा c इंटू वाई, ठीक है, प्लस न्यू कांस्टेंट k। तो देखो अपने पास क्या आ गया, y डैश इज इक्वल टू है ना माइनस वन इज इक्वल टू सी वाई प्लस के, ये y डैश नीचे था ऊपर ले गए y डैश, dy वाई बाई डी एक्स है तो माइनस डी एक्स इज इक्वल टू सी वाई प्लस के इंटू dy, तो क्या आ रहा है देखो, यहां से तो आ जाएगा माइनस एक्स, ये हो जाएगा c इंटू वाई स्क्वायर बाई टू प्लस के इंटू वाई प्लस कुछ नया कॉन्स्टेंट m, दिस इज सॉल्यूशन।
ठीक है, तो x इज इक्वल टू ए वन वाई स्क्वायर प्लस ए टू वाई प्लस ए थ्री, ठीक है, ये आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या बोल रहा है, सिक्स द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू सी वन कॉस ऑफ टू एक्स, ऑर्डर इक्वल होता है इफेक्टिव आर्बिट्री कॉन्स्टेंट कितने प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो सी टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी थ्री साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी फोर, ये इतने प्रेजेंट है यहाँ पे। तो देखो मैंने क्या किया, मैं बोलता हूँ कि सबको मैं कॉस टू एक्स में लेके आ सकता हूँ, इसको मैं कॉस टू एक्स में लेके आ सकता हूँ, सी टू इंटू वन माइनस वन प्लस कॉस ऑफ टू एक्स बाई टू, सी थ्री इंटू वन माइनस कॉस ऑफ टू एक्स बाई टू प्लस सी फोर, लिख सकते हैं बोलो। तो यहाँ से देखो y इज इक्वल टू क्या जाएगा, c1 की जगह में c1 c2 c3 सबको मैं लिख सकता हूँ a इंटू कॉस ऑफ 2x प्लस एक कॉन्स्टेंट टर्म बचने वाला है दैट इज b, तो ये इन द एंड अपने को मिल जाएगा, है ना। a कोई नया वेरिएबल है, मान लो b कोई नया वेरिएबल है, इसकी टर्म्स में लिखा जा सकता है। इसका मतलब यहाँ पे दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, हैंस ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी टू। क्वेश्चन नंबर सिक्स था ये, क्वेश्चन नंबर सेवन देखो, क्वेश्चन नंबर सेवन क्या बोल रहा है, देखो इफ द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स कोस वाई प्लस साइन ऑफ टू वाई, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन अपने को दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू सी इंटू ई टू दी पावर साइन वाई माइनस के इंटू वन प्लस साइन वाई। अपने को के की वैल्यू बतानी है, के इज हियर सम कॉन्स्टेंट, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट नहीं है, सी यहाँ पे आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, के इज सम कॉन्स्टेंट, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, शुरू करते हैं अपन। तो देखो इसको इसको यदि ऑब्जर्व करें अपन, एक्स में लीनियर है बट डिनोमिनेटर में, एक्स इंटू कोस वाई, है ना। वाई में लीनियर होता तो ऊपर होता तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती, एक्स में लीनियर है बट डिनोमिनेटर में है, तो अपन क्या करते हैं इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स बना लेते हैं, यहाँ से एक्स कोस वाई प्लस साइन ऑफ टू वाई से। तो ये क्या बन जाएगा, देखो डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स कोस वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ टू वाई, इंटीग्रेट कर देंगे ई टू दी पावर माइनस कोस वाई डी वाई, इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल रहे हैं, ये लीनियर डिफरेंशियल है ना एक्स में लीनियर है ये, एक्स इंटू फंक्शन ऑफ वाई फंक्शन ऑफ वाई। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर यदि निकाला अपन ने, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, ए टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ दिस, अब कोस वाई का इंटीग्रेशन होता है साइन वाई, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन वाई। तो इसको इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई किया तो सब में, तो आई एफ इंटू डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स इंटू माइनस आई एफ प्लस आई एफ इंटू माइनस एक्स कोस वाई इज इक्वल टू आई एफ इंटू साइन ऑफ टू वाई। ये अपने को पता है कि ये किस फॉर्म में आ जाएगा, डी ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर माइनस साइन वाई इंटू एक्स, इसमें आ जाएगा ये, है ना, ये पूरा इसमें आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब ही वही है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इधर लिखा तो इधर आएगा माइनस ऑफ साइन वाई इंटू साइन ऑफ टू वाई। सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया, इधर तो आ गया माइनस साइन वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू, इधर क्या आने वाला है देखो, ई टू दी पावर माइनस साइन वाई साइन ऑफ टू वाई को लिख दिया टू साइन वाई इंटू कोस वाई इंटू डी वाई, इंटीग्रेट कर दो इधर, है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से अपन ने देखा कि ये जो साइन वाई है इसको टी लेते ही चीजें सिंप्लीफाई हो रही है, कोस वाई डी वाई बन रहा है डी टी, तो ये बन जाएगा 2 इंटू ई टू द पावर माइनस टी इंटू टी इंटू डी टी, है ना। साइन वाई को मैंने लिया टी, तो कोस वाई डी वाई विल बी डी टी,
ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन अपन कर सकते हैं। देखो इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट से किया अपन ने, तो इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन। तो पहले इसका इंटीग्रेशन करते हैं, टी इंटू टू टी इंटू ई टू द पावर माइनस टी, माइनस साथ में आएगा इंटीग्रेशन में माइनस। अब टी का डिफरेंशिएशन, टू टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा टू, और इसका फर्दर क्या कर देते हैं इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई टू द पावर माइनस टी। ये आ जाएगा यहां पे प्लस सी, रख देते हैं ई टू द पावर माइनस साइन वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू टू इंटू टी, ई टू द पावर माइनस टी कॉमन ले लो और साइन वाई रख दो, माइनस टू टी माइनस टू साइन वाई, माइनस टू भी कॉमन ले लेते हैं चलो ठीक है, माइनस साइन वाई, माइनस टू ही कॉमन ले लेते हैं इनफैक्ट, तो अंदर बचेगा क्या टी माइनस वन प्लस सी। ई टू द पावर साइन वाई का अपन ने डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, ये बन जाएगा एक्स इंटू माइनस टू साइन वाई, अच्छा माइनस तो मैंने कॉमन लिया था यहाँ प्लस आएगा, तो माइनस टू इंटू साइन वाई प्लस वन प्लस सी इंटू ई टू द पावर साइन वाई, ठीक है। तो देखो अपने को कंपेयर करना है यहाँ पे यहाँ से, ठीक है, वन प्लस साइन वाई माइनस के ई टू द पावर सी इंटू ई टू द पावर साइन वाई आ रहा है, कुछ नया कांस्टेंट हो सकता है, तो माइनस टू को देखते हैं, तो माइनस टू अपने को के इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, के इज इक्वल टू टू मिल रहा है यदि इस फॉर्म में लेके आए तो। अल्टीमेटली अपने को ये देखना है कि साइन वाई का कोफिशियंट क्या मिलने वाला है ना, साइन वाई का कोफिशियंट अपने को क्या मिलने वाला है, ठीक है। सो तो ये था क्वेश्चन नंबर सेवन। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सोल्व करने का जरूरत था है ना, यहाँ पे ये ध्यान देना था कि डी एक्स बाई डी वाई अपने को सोचना पड़ेगा, डी एक्स बाई डी वाई की डायरेक्शन से सोचना पड़ेगा। डी एक्स बाई डी वाई कैसे सोचा, डिनोमिनेटर में लीनियर टर्म दिख रहा था एक्स का, तो वहां से अपने चीजों को सोचा। क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर एट, देखो एट क्या बोल रहा है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलाज हैविंग देयर एक्सिस ऑफ सिमेट्री कोइंसाइडिंग विद द एक्सिस ऑफ एक्स, मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री उसका एक्स एक्सिस होना चाहिए, मतलब पैराबोला कैसा होना चाहिए, ऐसा कुछ होना हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ना, कहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट उसका एक्सिस ये होगा है ना। तो इस टाइप के पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, वाई माइनस, अब ये जो भी होगा ये पॉइंट अपन बोल सकते हैं कि इसका एक्स तो वेरी करेगा, एक्सिस का वर्टेक्स का एक्स वेरी करेगा और वाई कुछ भी हो सकता है, तो अल्फा कोमा जीरो ले लेते हैं अपन इसका वर्टेक्स, वर्टेक्स ले लिया अपन ने अल्फा कोमा जीरो, तो इसकी इक्वेशन अपन लिख सकते हैं क्या, वाई माइनस अल्फा वाई माइनस जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये फोर ए एक्स होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स, तो फोर ए इंटू, ए भी कुछ भी हो सकता है, ए में भी कोई लेटर सेलेक्टर में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी हो सकता है, इंटू एक्स माइनस अल्फा, यहां पे चेंज हो सकता है, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है, ये सब पैराबोला का क्या होगा, एक्सिस एक्स एक्सिस ही होगा, और एक्स एक्सिस के अबाउट वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा हमेशा, तो ये यहाँ पे कितने अपने को वो दिख रहे हैं, टू आर्बिट्री कॉन्स्टेंट दिख रहे हैं, मतलब टू डिग्री की, टू ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलने वाली है। तो देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए इंटू एक्स माइनस अल्फा, डिफरेंशिएशन किया, फोर ए की जगह मैं कैपिटल ए ही ले लेता हूँ, सीधा ए ही ले लेता हूँ, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टू वाई वाई डैश इज इक्वल टू ए, फर्दर एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो, टू वाई वाई डबल डैश प्लस टू वाई डैश का वाई डैश इंटू वाई डैश इज इक्वल टू जीरो, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, वाई वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो वाई डबल डैश का स्क्वायर, सॉरी वाई इंटू वाई डबल डैश प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नाइन, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, अंडर रूट ऑफ ए प्लस एक्स इंटू
डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू जीरो। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है तो देखो क्या आ रहा है, डी वाई अपॉन वाई प्लस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन वन प्लस ए प्लस एक्स। रीअरेंज कर लिया इस तरीके से, इंटीग्रेट कर देंगे x के साथ, x के टर्म वेरिएबल सेपरेबल है ये, तो ये क्या जाएगा ln ऑफ y प्लस, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अपन ने क्या किया, x प्लस ए माइनस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए प्लस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये बन जाएगा देखो ln ऑफ y प्लस, ये अंडर रूट ऑफ ए प्लस एक्स बन जाएगा, ऊपर अंडर रूट ऑफ ए प्लस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ए प्लस एक्स की पार 3/2 अपॉन 3/2, ठीक है, माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए प्लस एक्स, तो ए प्लस एक्स की पावर माइनस हाफ, तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस ए अंडर रूट ऑफ ए प्लस एक्स, ऊपर नीचे जो 1/2 आ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये इंटीग्रेशन आ गया, प्लस सी कोई कॉन्स्टेंट है तो प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये अपने को मिलने वाला है। तो सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं, सॉल्यूशन क्या मिलने वाला है, इसका सॉल्यूशन अपने पास मिल जाएगा, इज इक्वल टू माइनस, ये प्लस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू ई टू द पावर 2/3 अंडर रूट ऑफ ई टू द पावर सी को तो मैं बार कॉन्स्टेंट एज ए मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ए 2/3, ए 2/3 के साथ क्या है, a प्लस एक्स की पावर 3/2 प्लस ए टू द पावर में ये प्लस है, ठीक है, प्लस 2a इंटू अंडर रूट ऑफ ए प्लस एक्स ये मिलने वाला है, ये माइनस के साथ होगा, है ना। अब देखो क्या करेंगे, इसको इस वर्जन में दिया हुआ नहीं है तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, e अंडर रूट ए प्लस एक्स कॉमन लेते हैं दोनों में से अपने को, क्योंकि 2/3 तो कॉमन चाहिए ही चाहिए, है ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि इन दोनों में से मैं क्या करता हूँ, 2/3 अंडर रूट ए प्लस एक्स ले लेता हूँ कॉमन, अंदर क्या बचेगा, 2/3 अंडर रूट ए प्लस एक्स कॉमन आ गया, अंदर बचेगा माइनस ए माइनस एक्स प्लस 2/3 कॉमन लिया तो ये बन जाएगा 6a, है ना, सही है बात, 6a नहीं 3a, 2 कॉमन हो गया। तो ये क्या आया देखो, y इज इक्वल टू a इंटू ए टू दी पावर 2/3 अंडर रूट ऑफ ए प्लस एक्स, ये क्या बन रहा है 3a माइनस ए 2a माइनस एक्स, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें ध्यान से करना है ना, ये बन रहा है 2a माइनस एक्स अंडर रूट ए प्लस एक्स, ए ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है अपने को, ये ऑप्शन करेक्ट है। ये था क्वेश्चन नंबर 9, बोल सकते हैं सिंपल सी प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 9 ना, सीधा सीधा डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करते ही आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इंटू 2xy इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, है ना, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो अपने को यहाँ पे क्या करना है, dy के साथ वेरिएबल सेपरेबल यदि हो रहा है तो वही सबसे इजिएस्ट वे है, एक्स स्क्वायर माइनस वन का एक बार डिवाइड करता हूँ तो समझ में आएगा, dy वाई बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, इंटू वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। तो यहां से तो वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं हो रहा, ये क्या बन रहा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, ठीक, बोलो dy वाई बाई डी एक्स वाई इंटू दिस टर्म इज इक्वल टू दिस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, तो कोई दिक्कत नहीं है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, ठीक है। तो देखो
इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज रिलेटिवली सिंपल, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t लेंगे तो 2x dx भी dt हो जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई टू द पावर ln ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मोड। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया अपने को। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अपन क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये इक्वेशन अपने को क्या मिलने वाली है, डी ऑफ वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इधर भी मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स था, तो इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ, ये तो बन गया वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो होगा माइनस 1/2 ln ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है, इसका मोड प्लस सी, देखो क्या आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10 का, वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हाफ लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी। तो ये ए ऑप्शन में दिख रहा है अपने को, ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वाई। इसका डिग्री निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये हो गया कि ए को अपने को हटाना है, ए को हटाने के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है उसमें हाईएस्ट ऑर्डर का पावर क्या है ये बताना है, और शर्त यह है कि वो सारे के सारे पॉलिनोमियल फॉर्म में प्रेजेंट होने चाहिए। तो सोचते हैं अपन इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली कर लेते हैं, डायरेक्टली डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, सिमिलरली ये हो जाएगा माइनस वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस वाई डैश, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक जगह से a की वैल्यू उठा के उधर रख देते हैं, तो ये क्या आएगा, देखो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, या वहाँ से a की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहाँ से उठा के यहाँ रखो ज़्यादा बेटर है। माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश इज इक्वल टू a की वैल्यू यहाँ से उठाई, क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई, है ना। यहाँ पे मैं यहाँ से उठा के क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई में कहीं वाई डैश नहीं है, तो अपने को इसका सोचने का जरूरत नहीं है कि ये पॉलिनोमियल फॉर्म में प्रेजेंट है कि नहीं, वाई डैश वाई डबल डैश वाई ट्रिपल डैश ये सब अपनी पॉलिनोमियल फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए टू फाइंड डिग्री, ठीक है, तो इनका कोई अपने को दिक्कत नहीं है। 1 माइनस वाई डैश, तो y डैश जितने भी प्रेजेंट है, जितने भी डिफरेंशियल प्रेजेंट है, वो सब क्या है, पॉलिनोमियल फॉर्म में प्रेजेंट है, इसका मतलब इसका ऑर्डर है 1 एंड डिग्री है 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 था ये, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, द इक्वेशन ऑफ द कर्व सेटिस्फाइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन, वाई टू मतलब वाई डबल डैश इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x इंटू वाई डैश पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,1, ये इक्वेशन 0,1 से पास करती है, और दूसरा आपने को एक और कंडीशन दिया हुआ है, वाई डैश इज इक्वल टू 3 एट x इज इक्वल टू 0, टेंजेंट एट x है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 0 इज 3, इसका मतलब ये हो गया कि y डैश इज इक्वल टू 3 एट x इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये दो इन्फॉर्मेशन अपने को दी हुई है, इनका कैसे यूटिलाइज करेंगे देखते हैं ना।
तो देखो ये जो प्रॉब्लम है वाई डबल डैश इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वाई डबल डैश अपॉन वाई डैश इज इक्वल टू, इसको लिख दिया अपन ने 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स लेट से, तो वाई y डैश को यदि t लें तो ये y डबल डैश क्या बन जाएगा, है ना, y डैश को अपन ने t लिया है ना, dy को dy बाई डी एक्स को मैंने मान लो t लिया, तो y डबल डैश अपने पास क्या बन जाएगा dt, सही बात, मतलब d ऑफ y डैश बाई डी एक्स क्या बन जाएगा dt टी बाई डी एक्स, ठीक है, ये अपने को समझना होगा इस तरीके से। तो y डैश को अपन ने क्या लिया है t, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, देखो t y डबल डैश, दिस इज d ऑफ y डबल डैश बाई डी एक्स बन जाएगा dt टी बाई डी एक्स, इसको इस तरीके से dx में बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा है कि यार dx कहाँ गया, dx है यहाँ पे ना, dy वाई बाई डी एक्स को मैंने क्या माना है t, तो d ऑफ dt टी बाई डी एक्स, डी ऑफ टी क्या y डैश बाई डी एक्स क्या बन जाएगा dt टी बाई डी एक्स, और dt टी बाई डी एक्स अब अपन क्या बोलते हैं कि इसको तो इधर तो लिख देंगे dt टी बाई टी टी इज इक्वल टू dt टी बाई टी इज इक्वल टू टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, इंटीग्रेशन करने के बाद क्या मिलने वाला है देखो, dt टी बाई टी क्या हो जाएगा ln ऑफ t, है ना, ये तो काफ़ी आसान हो गया, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन ये बन जाएगा ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी, सी को मैं लिख देता हूँ ln ऑफ सी, ठीक है। तो देखो अपने पास ये इक्वेशन आ गई, ln y डैश इज इक्वल टू ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस ln ऑफ सी, ठीक है। फर्दर अपन बोलते हैं कि इसको अपन क्या लिख सकते हैं, y डैश इज इक्वल टू c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, लिख सकते हैं बोलो। तो यहाँ पे इस इक्वेशन का यूज़ कर लेंगे, x इक्वल टू जीरो पे ये थ्री है ना, x इक्वल टू जीरो पे ये थ्री है, तो c की वैल्यू क्या आ गई, c इज इक्वल टू थ्री आ गया, c इज इक्वल टू थ्री आ गया, तो मतलब अपने पास y डैश क्या आ गया, मतलब dy वाई बाई डी एक्स आ जाएगा अपने पास थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, इधर आ गया y, इधर आ जाएगा थ्री इंटू एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस सी। अब इसके लिए अपने को दिया हुआ है कि 0.1 से पास करता है, फर्दर इसको पास करवा दो 0.1 से, ये c की जगह कुछ नया k ले लेते हैं, 0.1 से पास करवा के k की वैल्यू निकाल देंगे, 0 रखने पे ये 1 होना चाहिए, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 1। तो इंटीग्रेट फाइनली अपने पास आंसर क्या आया, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 0 रखने पे 1 मिलना चाहिए, दिस इज इक्वेशन ऑफ कर्व, क्लियर है पॉइंट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन डिस्कशन करने वाले हैं रिवीजन असाइनमेंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो जो लास्ट क्लास में अपन कहाँ तक डिस्कस कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कशन हो गया था, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू 3.4 एंड सेटिस्फाइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो ये जो इक्वेशन है वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, ये पास करता है किससे, 3.4 से। इसको सिंप्लीफाई करना है तो देखो, घबराने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कि डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर आ गया, तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई करने की जरूरत होगी अपने को। इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन, वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो एक में से dy वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा देखो, है ना, y डैश मैंने कॉमन लिया यहाँ से,
तो वाई डैश कॉमन लिया तो अंदर बचेगा वाई वाई डैश, एक्स वाले को मैं ना इसको मैंने ऐसे लिख लिया, देखो y इंटू वाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स वाई डैश माइनस वाई वाई डैश माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। अब समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से यदि y डैश कॉमन लेता हूँ तो y वाई डैश प्लस एक्स बचेगा, यहाँ पे भी y वाई डैश प्लस एक्स है तो फैक्टराइजेशन हो गया, तो y डैश कॉमन आ गया, अंदर बचेगा y वाई डैश प्लस एक्स माइनस कॉमन लिया y वाई डैश प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। अब y वाई डैश प्लस एक्स दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बच जाएगा देखो, तो फैक्टर करके इसका अपन ने सिंप्लीफाई कर लिया। नाउ वी कैन इजीली डू इसको सेपरेट डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सेपरेट डिफरेंशियल इक्वेशन मान के भी सोल्व करेंगे। तो y y डैश प्लस एक्स इक्वल टू जीरो को सॉल्व करते हैं तो ये तो हो जाएगा अपने पास वाई स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स डी एक्स बन जाएगा, एक्स डी एक्स विल बी एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू सी। और इसको सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा अपने पास देखो y डैश माइनस वन तो डी वाई माइनस डी एक्स इक्वल टू जीरो, तो y इज इक्वल टू सी। थ्री कोमा फोर से पास करवा दो इसको भी और इसको भी, तो ये तो इसको नया वेरिएबल लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के। थ्री कोमा फाइव से फोर से पास करवाया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। और इसको थ्री कोमा फोर से पास करवाया तो फोर माइनस थ्री सी इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वन। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू थ्री रखने पे वाई इक्वल टू फोर। ठीक है, तो ये अपने पास दोनों कर्व आ गए। क्वेश्चन नंबर 13 था ये। क्वेश्चन नंबर 14, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे चार स्टेटमेंट अपने को दिए हुए हैं। एस वन स्टेटमेंट क्या है, ऑर्डर निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, किसका अंडर रूट ऑफ वन प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या दिख रहा है अपने को, ऑर्डर होता है हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल प्रेजेंट इन दी इक्वेशन। तो ये हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल क्या है, टू ऑर्डर का, तो ऑर्डर यहाँ पे क्या है, ऑर्डर इज इक्वल टू टू। तो इसका मतलब स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, जो दिया हुआ है वो स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। एस टू, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज। इसका सोल्यूशन निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स से समझ में आ रहा है कि यदि अपन एक्स बाई वाई या वाई बाई एक्स टाइप का कुछ बनाए तो काम अपना हो सकता है। ठीक है, इधर डी एक्स दिया हुआ है तो इसको पहले ऐसे लिख सकते हैं एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स। मैं क्या बोलता हूं, यहां से मैं एक्स से डिवाइड कर सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, एक एक्स कॉमन ले लेता हूं, तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, एक्स कॉमन लिया तो अंदर बचेगा वन प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। ऊपर मुझे डी ऑफ वाई बाई एक्स, डी ऑफ वाई बाई एक्स में बनाने की सोच रहा हूँ, डी ऑफ वाई बाई एक्स क्या बनेगा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ऊपर वाले क्वांटिटी तो एडजस्ट हो जाएगी। नीचे अपने को क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर, तो मैंने क्या किया, एक एक्स से दोनों तरफ और डिवाइड कर दिया। अब ये अपना सेट हो गया, ये अपना सेट बन हो रहा है किसमें, डी ऑफ वाई बाई एक्स। ध्यान से देखो, डी ऑफ वाई बाई एक्स बन रहा है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन क्या, अंडर रूट ऑफ वन प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, डी ऑफ वाई बाई एक्स का इंटीग्रेशन है ना वन, इसको टी लेंगे ये डी टी एक्स का, तो अंडर रूट ऑफ वन प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वन प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एल एन ऑफ टी प्लस, इसको टी लूँ तो ये डी टी है, तो एल एन ऑफ टी का मतलब हो गया वाई बाई एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस वाई बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई एक्स का हो जाएगा एल एन ऑफ एक्स प्लस एल एन ऑफ सी ले लेता हूँ। तो देखो क्या बनने वाला है, वाई बाई एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी एक्स। अब एक्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा अपने पास वाई प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। अब देखो ये मैच कर रहा है क्या,
वाई प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, मतलब ये स्टेटमेंट है ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, ठीक बात बोलो। नेक्स्ट है, देखो क्वेश्चन नंबर इसी का स्टेटमेंट नंबर थ्री है ना, 14 का ही स्टेटमेंट नंबर थ्री। डी स्क्वायर मतलब वाई डबल डैश इज इक्वल टू दिया हुआ अपने को 2 इंटू वाई डैश माइनस वाई दिया हुआ इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, दिस फैमिली ऑफ कर्व अपने को दिया हुआ वाई इंटू ई की पावर एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, बोल रहा है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो अपने को ये सॉल्व नहीं करना है ना, ये सॉल्व नहीं करना है अपने को, अपने को क्या करना है यहां से ये प्रूफ करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। तो यहां से उल्टा शुरू करो, तो इस फैमिली ऑफ कर्व की ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी कि नहीं होगी इस बात पर डिपेंड करेगा। वाई डबल डैश, वाई डैश करते हैं इसका, y डैश इज इक्वल टू हो जाएगा e की पावर x, ये एज इट इज ए सी प्लस, कॉस एक्स को मैं c लिख रहा हूँ है ना, साइन x को मैं s लिख रहा हूँ, ए सी प्लस बी एस प्लस ए सी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ए सी माइनस ए एस प्लस बी सी। ठीक है, साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x, तो y डैश अपने पास क्या मिलने वाला है e की पावर x, ए कॉमन ले लेते हैं अंदर बचेगा सी माइनस एस प्लस बी इंटू एस प्लस सी। ठीक है, सही बात बोलो। अब फर्दर वाई डबल डैश करते हैं, वाई डबल डैश किया तो ई की पावर एक्स, तो एज इट इज ये पूरा एज इट इज उसके साथ, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या जाएगा ए इंटू है ना, c का डिफरेंशिएशन माइनस एस का डिफरेंशिएशन माइनस माइनस सी, बी एस का डिफरेंशिएशन c, c का डिफरेंशिएशन माइनस एस करना पड़ेगा अपने को, ये है ना वाई डबल डैश। अब देखो s के साथ क्या आ रहा है, e की पावर x इंटू ए के साथ आ रहा है अपने पास 2 टाइम्स, सॉरी s नहीं कैंसिल होगा, क्या कैंसिल हो रहा है देखो, c कैंसिल हो रहा है तो माइनस टू ए एस, बी के साथ देखो प्लस टू बी सी। ठीक है, तो वाई डबल डैश इज इक्वल टू टू टाइम्स ई की पावर एक्स बी सी माइनस ए एस। ठीक है, अब वाई डबल डैश, वाई डैश वाई यहां पे रख दो, वाई डबल डैश की वैल्यू क्या है, टू इंटू ई की पावर एक्स बी सी माइनस ए एस इज इक्वल टू टू वाई डैश, y डैश की वैल्यू क्या है, y डैश इज इक्वल टू ए की पावर x a इंटू सी माइनस एस प्लस बी इंटू एस प्लस सी माइनस ऑफ y, माइनस ऑफ y का मतलब हो गया माइनस ऑफ ए सी माइनस बी एस, माइनस ऑफ ए सी माइनस ऑफ बी एस। सिंप्लीफाई कर देते हैं, एस से एस गया, सी से सी गया, क्या बच रहा है देखो, टू इंटू ई की पावर एक्स माइनस ए एस प्लस बी सी, बी सी माइनस ए एस, बी सी माइनस ए एस, इसका मतलब सही है दोनों, मैच कर रहा है दोनों बिल्कुल है ना। अब यहाँ से अपन देखेंगे कि अच्छा यार यहाँ पे तो ऑर्डर इसका क्या होना चाहिए था, ये डिफरेंशियल इक्वेशन यदि इसका इस कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन अपन निकालना चाहे तो इसका ऑर्डर क्या है, टू ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा और ये इसका ऑर्डर भी क्या है, टू, इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये इसको सेटिस्फाई करता है और ऑर्डर भी दोनों का क्या है, सेम है। एस फोर देखो क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वन प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इंटू
ई टू दी पावर टेन इनवर्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अपने को सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो सोचते हैं कैसे करेंगे। वन प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है अपने को, है ना। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या दिख रहा है मेरे को, पहले ये लिखता हूं। डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है मेरे को माइनस ऑफ वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस टू इंटू ई टू द पावर टेन इनवर्स वाई, ये दिख रहा है ना। बोलो दिख रहा है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वन प्लस वाई स्क्वायर, ये दिख रहा है। इसमें देखो डिनोमिनेटर में x दिख रहा है ना, बाकी सब y का फंक्शन है। डिनोमिनेटर में x दिख रहा है, बाकी सब y का फंक्शन है। तो यहां से हिंट मिल रहा है x में ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकती है। तो एक बार dx एक्स बाई डी वाई लिख के देखते हैं। dx एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो 2 इंटू ई टू दावर टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, है ना। अपना काम हो गया। तो dx एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू ई टू दावर टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या बन गई बच्चों, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x, है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, वन प्लस वाई स्क्वायर, वन अपॉन वन प्लस आई वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा अपने पास टेन इनवर्स y। तो ये बन जाएगा d ऑफ x इंटू टेन इनवर्स ई टू द पावर, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, है ना। यहां से पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे। आगे देखो, तो ये ई टू द पावर टेन इनवर्स y का इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इधर मल्टीप्लाई किया और इंटीग्रेटिंग फैक्टर इधर मल्टीप्लाई किया। हियर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई टू द पावर टेन इनवर्स y। तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए टू द पावर 2 टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। इंटीग्रेट कर दो बच्चों दोनों तरफ। ये वन टेन इनवर्स वाई को जैसे ही टी लेंगे तो वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बन जाएगा डी टी। तो ई टू द पावर 2 टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई टू द पावर 2 टी का इंटीग्रेशन ई टू द पावर 2 टी बाई 2। तो ये आ जाएगा एक्स इंटू ई टू द पावर टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आने वाला है, ई टू द पावर टू टी, टी यहाँ पे क्या टेन इनवर्स वाई अपॉन टू। तो ये टू टू कैंसिल हो जाएगा प्लस सी। दिस इज अवर आंसर, ठीक है, सही है। तो स्टेटमेंट एस फोर भी करेक्ट है, ट्रू है। तो यहाँ से अपना सारा ऑप्शन मिल गया अपने को। ये था क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे जो अपन बोल सकते हैं कि सॉल्व करने लायक है, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। बट ऑप्शन से अपन जा सकते हैं, कुछ कुछ में ऑप्शन से अपन जा सकते हैं, है ना। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स हो सकता है कि एक ट्रू फॉल्स से अपना काम बन जाए। तो जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस तुम सॉल्व करो एक बार, तुम हर बार ऑप्शन पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 15 मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इफ y इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स एंड, है ना, y अपने को दिया हुआ है e की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, वाई एन इज इक्वल टू या वाई एन प्लस के एन इंटू वाई इक्वल टू जीरो। वाई एन क्या है, nth डिफरेंशियल, के एन क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो के फोर, के एट, के ट्वेल्व, के सिक्सटीन निकालना है अपने को, है ना। ये सब की वैल्यू अपने को निकालनी है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, अपन ने बोला कि पहले ये रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि वाई एन इन टर्म्स ऑफ वाई, ये निकालने की कोशिश अपन करते हैं, ठीक है। तो पहले ये निकालेंगे कैसे, वाई डैश किया मैंने, ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स इंटू, है ना, माइनस वन। तो माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स, कॉस एक्स रहेगा एज इट इज, फिर कॉस एक्स का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है, सही बात।
ए की पावर माइनस एक्स, ये माइनस कॉस एक्स आएगा, है ना। अपने पास क्या आने वाला है देखो, माइनस ऑफ ए की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, ए की पावर माइनस एक्स एज इट इज, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन एक्स, है ना। इसका मतलब हो गया ए की पावर माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स, है ना। वाई डबल डैश करते हैं, वाई डबल डैश क्या मिलने वाला है, ए की पावर माइनस एक्स माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे कॉस ऑफ एक्स, ये तो एज इट इज, पहले ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन किया अपन ने, फिर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस का हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स और साइन एक्स का प्लस का कॉस एक्स, तो ये आ जाएगा टू इंटू ई की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, सही बात। ये आ गया अपने पास वाई डबल डैश, ऐसे ही वाई ट्रिपल डैश करते हैं, ट्रिपल डैश में क्या होगा, टू इंटू ई की पावर माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन आ जाएगा अपने पास यहां पे कुछ गलती हुई है, वाई डैश तक ठीक है, y डबल डैश करते हैं, y डबल डैश क्या आएगा, e माइनस ऑफ e की पावर माइनस x मतलब cos x प्लस साइन x, ये आएगा ठीक है। और उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करना है ना अपने को, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, cos x का माइनस साइन x मतलब प्लस का साइन x, माइनस साइन x का, माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ cos x, ये आने वाला है ठीक है। तो cos x के cos x गया, ये क्या आ जाएगा, टू इंटू ई की पावर माइनस एक्स टू साइन ऑफ एक्स, ऐसे ही। अब वाई ट्रिपल डैश निकालो, वाई ट्रिपल डैश क्या आ जाएगा, माइनस जो है इधर ले लेते हैं माइनस साइन एक्स में, टू बार ले लिया, माइनस ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, कॉस एक्स, फर्दर करते हैं वाई, है ना। इसमें ये करना ही पड़ेगा काम, थोड़ा सा ये प्रोसेस अपने को करना ही पड़ेगा, फोर्थ टाइम डिफरेंशिएशन क्या है, तो टू इंटू ई की पावर माइनस एक्स, अंदर वाला सब चेंज हो जाएगा, जो एस था वो माइनस के साथ था, प्लस हो जाएगा माइनस सी, प्लस इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स, तो एस एस गया, ये क्या हो जाएगा, देखो वाई फोर्थ डिफरेंशियल 2 इंटू ई की पावर माइनस एक्स, टू बार आ जाएगा तो 4 इंटू ई की पावर माइनस एक्स माइनस वी बार इंटू कॉस ऑफ एक्स। इसको ध्यान से देखो, ये क्या है अपने पास, ये अपने पास आ गया वाई की पावर 4, फोर्थ डिफरेंशियल ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस 4 ई की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, को मैं क्या लिख सकता हूँ वाई, तो ये क्या आ जाएगा, वाई फोर डिफरेंशियल इज इक्वल टू प्लस 4 टाइम्स वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि k4 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, k4 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखो इसको, अब इसको 4 बार और डिफरेंशिएट कर दो, 4 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो y की, y क्या आ जाएगा, एट्थ डिफरेंशियल, इसको 4 टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे है ना, तो ये हो जाएगा 4 इंटू वाई 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो वाई एट प्लस 4 इंटू वाई 4 को लिख सकते हैं माइनस 4 वाई इक्वल टू जीरो, तो वाई एट माइनस सिक्सटीन वाई इक्वल टू जीरो, तो वाई के एट अपन यहाँ से क्या बोल सकते हैं, के एट इक्वल टू माइनस सिक्सटीन। सिमिलरली यहाँ से मैं क्या लिख रहा हूँ, वाई सिक्सटीन है ना, वाई सिक्सटीन, या इसको फोर टाइम डिफरेंशिएट कर दो, वाई एट को फोर टाइम डिफरेंशिएट किया तो यह आ जाएगा वाई ट्वेल्व माइनस सिक्सटीन इंटू वाई फोर इक्वल टू जीरो, वाई फोर को फर्दर मैंने माइनस फोर फाइव लिया, माइनस फोर वाई ले लिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस सिक्सटी फोर वाई फोर इक्वल टू जीरो, है ना। सिमिलरली देखो वाई सिक्सटीन आ जाएगा माइनस टू फिफ्टी सिक्स वाई फोर, सिक्सटी फोर वाई इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा माइनस टू फिफ्टी सिक्स वाई इक्वल टू जीरो। सेम प्रोसेस है जो यहाँ पे अपन लगा रहे हैं ना, सेम प्रोसेस। तो यहाँ से के एट माइनस सिक्सटीन आ रहा है, के 12 जो है वो 64 आ रहा है,
कि 16 क्या आ रहा है, माइनस 256। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या बोल रहे हैं अपन। द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस कोट स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो मस्ट बी सेटिस्फाइड बाई, है ना। तो देखो अपने को अगेन 2 डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, 2 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो डायरेक्टली अपन वैसा नहीं सॉल्व करेंगे कि यहां से ऑप्शन पे जा रहे हैं, ऑप्शन से इस पे आओ, ठीक है। जेई के सिलेबस में अपना क्या है, सिंगल ऑर्डर एंड सिंगल डिग्री, वन ऑर्डर एंड वन डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन ही अपने जेई के सिलेबस में है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो हमेशा सोचो कि अपन नेगेटिव डायरेक्शन से वहां जा सकते हैं क्या, तो वही प्रॉब्लम है यहां पर। वाई इज इक्वल टू टू प्लस सी वन कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ सी टू साइन एक्स। मैंने क्या बोला, यहां से जाते हैं वाई डबल डैश, वाई डैश किया वो जाएगा सी वन माइनस सी वन साइन एक्स प्लस रूट ऑफ सी टू कॉस एक्स। वाई डबल डैश आ जाएगा माइनस सी वन साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ सी टू, ये माइनस का क्या आ जाएगा साइन एक्स। इसकी वैल्यू सी वन कॉस एक्स प्लस रूट सी टू साइन एक्स की वैल्यू यहां से लिख सकते हैं वाई माइनस टू, तो वाई डबल डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस ऑफ वाई माइनस टू, वाई डबल डैश प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। ये डिफरेंशियल इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेम है क्या, नहीं है, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली वी कैन चेक फॉर अदर्स ऑल्सो, है ना, ऑप्शन को अपन पकड़ के चेक करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, इस ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इक्वल टू जीरो इज, तो अपने को एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वन इंटू डी वाई प्लस टू एक्स वाई क्यूब इंटू डी एक्स इक्वल टू जीरो। ये डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को दी हुई है और अपने को इसका एक सॉल्यूशन बताना है, ठीक है। तो देखते हैं अपन कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स देखें तो वो आ रहा है टू एक्स वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वन, ठीक 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 बात। तो वहां से कुछ बन नहीं रहा है, ना तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, ना ही ये होमोजीनियस में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब ये एग्जैक्ट टाइप का कुछ है या कुछ सब्सटीट्यूट करके इसको रिड्यूसेबल टू लीनियर या रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस उस केस में बनाना इसको पड़ेगा, ठीक है। तो सोचते हैं इसको कैसे करेंगे। मैंने क्या लिखा, 2x y क्यूब इंटू डी एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, वन वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना, ठीक है। यहां से ये अपना कुछ बन रहा है क्या, यहां से भी कुछ सेट नहीं हो रहा है सच, ठीक है। सोचते हैं कुछ और, पहले इसको अलग अलग करते हैं ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई माइनस डी ऑफ वाई प्लस टू एक्स वाई क्यूब डी एक्स इक्वल टू जीरो। ये है डी वाई को सेपरेट करते हैं, बाकी को एक साथ करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई प्लस टू एक्स वाई क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई, है ना। ये यहां से चीजें बन सकती है। अपने को पता है कि वाई को अपन कॉमन ले कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर
एक्स इंटू वाई स्क्वायर कॉमन लेते हैं अपन, एक्स इंटू वाई स्क्वायर कॉमन लेते हैं, एक्स इंटू वाई स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, एक्स डी वाई प्लस प्लस टू इंटू वाई इंटू डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू डी वाई। यहां से भी ये सेट नहीं हो रहा तो x को अंदर ही रखते हैं, वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस टू एक्स डी टू एक्स वाई डी एक्स। यहां से अपने को हिंट समझ में आ रहा है कि क्या बन रहा है, देखो एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई इंटू टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या बन रहा है, डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर। ये क्या लिखा जा सकता है, डी ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई, डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, सिंप्लीफाई हो जाएगा। बोलो 2x dx क्या है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन d ऑफ x स्क्वायर है, तो ये क्या x स्क्वायर dy प्लस y इनटू d ऑफ x स्क्वायर, तो वो लिख सकते हैं d ऑफ x स्क्वायर y, तो ये आ जाएगा बच्चों अपने पास x स्क्वायर y इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा माइनस वन बाई वाई प्लस सी।